काम अच्छा हुआ, काम अच्छा हुआ, हर जगह हुआ। ये सिंगल इंजन की सरकार चला रहे हैं, ये सिंगल इंजन की सरकार चला रहे हैं। हमें क्या 130 करोड़ टीका लगाया मोदी ने, ये भी पेट्रोल पेट्रोल का। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, पूरे देश की राजनीति से लेकर के पूरे देश का भविष्य बाबा विश्वनाथ तय करते हैं, और यहाँ मोदी जी नतमस्तक हुए हैं तो बाबा ही उनको आज से आगे भी लेके जा रहे हैं। हमारे आप में या कोई जनता उनको लेके आगे नहीं जा सकती। अखिलेश जी जो भी बोले हैं एकदम गलत बोले हैं, 100% गलत है। मोदी जो भी काम किए हैं बहुत सही काम किए हैं, ठीक है भैया। हर हर उससे ज्यादा मोदी को हमें क्या एक्सपेक्ट किए थे, उतने एक्सपेक्टेशन हमको नहीं मिला है। 2 साल कोरोना भी एक्सपेक्ट किए थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, सिर्फ विकास हुआ है, सिर्फ विकास, विकास के अलावा कुछ नहीं। ये देखिए, ये सर्किल है, ये सर्किल नंदी है, नंदी को बैठाने में 70 साल ये सोचते रह गए मगर नंदी एक नहीं बैठा पाए। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। इस समय मैं वाराणसी में हूँ, ये आज के टाइम की काशी है। तो आइए हम यहाँ के काशी वालों से बात करते हैं कि आज की काशी में और आज से 6-7 साल पहले वाली काशी में कितना अंतर है। मैं हर एक को पूछ रहा हूँ, आपसे आप क्वेश्चन लगाओ, आपसे आप क्वेश्चन लगाओ, ओपन माइंड से आप भी ओपन माइंड से सोचो, अब तक क्या इम्प्रूवमेंट किया हुआ, अब तक क्या नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, एक बार देखो, आप ओपन माइंड से देखो। मैं भी मोदी बोल रहा था, अब तो नहीं बोलता हूँ, फेल हो गया है। हाँ जी, क्या 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 लगता है आपको, क्या लगता है आज के काशी में 7-8 साल पहले की काशी में? आज का काशी यहाँ गड्ढा हुआ करता था। ये देखिए, ये सर्किल है, ये सर्किल नंदी है, नंदी को बैठाने में 70 साल ये सोचते रह गए मगर नंदी एक नहीं बैठा पाए। उसके बगल में एक बदबू वाला कूड़ा खाना था, जो ये स्टैंड, भैया थोड़ा सा हट जाओ, ये मोदी का देन है, इधर देख लीजिए, ये मोदी का देन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, सिर्फ विकास हुआ है, सिर्फ विकास, विकास के अलावा कुछ नहीं। समझ गए साहब, खाली ये इतना विश्व में बड़ा आइकॉनिक टेंपल, हमारा हिंदू धर्म में बहुत बड़ा टेंपल, इधर डेवलपमेंट होने का बहुत बड़ा बात नहीं है। हर एक केड़े गांव में छोटा सा मंदिर को भी, मैं एक बोलता हूँ, छोटा सा मंदिर को, गांव को भी डेवलप हुआ है पूरा। कौन सा इसमें डेवलप नहीं हुआ वो बोलना, कौन सा इसमें डेवलप नहीं हुआ, आप डेवलप नहीं हुआ बोले ना, अब तक क्या पानी पी रहे ना, अब तक घर में क्या पानी आ रहा है ना, अब तक हमें ड्रेनेज का किया किधर जा रहा है ना, वो पूरा इससे पहले हुआ सो काम, अब नहीं हुआ, हुए तो इससे पहले भी रोड डाले थे, इससे पहले भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, इससे पहले भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, अब वाइड करे थोड़ा रोड ज्यादा ऊपर डाले, बस वो हर एक गांव में डेवलपमेंट होने का हो रहा है, फंड्स उतना ही आ रहा है, रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट हो रहा है, उतना ही डेवलप हो रहा है। उससे ज्यादा मोदी को हमें क्या एक्सपेक्ट किए थे, उतने एक्सपेक्टेशन हमको नहीं मिला है। 2 साल कोरोना भी एक्सपेक्ट किए थे हमें, क्या 130 करोड़ टीका लगाया है मोदी ने, ये भी पेट्रोल पेट्रोल खाली 1 लीटर पेट्रोल का क्या टैक्स कलेक्ट होता ना, उसमें 5 जने को टीका लगा सकते, हमको इंडिया को मिलने का 40 रुपीज पर लीटर हमको मिलता है लीटर, 60 रुपीज टैक्स लगा रहे, 60 रुपीज टैग लगा रहे मोदी ने। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन केवल काशी के विकास को ही भारत का विकास मान लिया जाए क्या? नहीं, विकास हर जगह हुआ है, काम अच्छा हुआ है, काम अच्छा हुआ हर जगह हुआ है। ये सिंगल इंजन की सरकार चला रहे हैं, ये सिंगल इंजन की सरकार चला रहे हैं। मैं बनारस से हूँ, बनारस चेतगंज का निवासी हूँ मैं, रहने वाला। आज 75 साल से रामनगर जाने के लिए पुल नहीं था, पीपा का पुल बनता था, आज यहाँ पे पूरा पुल बना है, यहाँ से रामनगर जाने के लिए पूरा विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है, घर घर सिलेंडर बटा है, लाइट पहुँचा है, ठीक है, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं चल रहे हैं, अब बस देखने का नजरिया होना चाहिए। लेकिन कुछ काशी वाले बोल रहे हैं केवल क्या यही विकास होगा गोदौलिया से लेकर कैंट तक क्या, और बनारस का विकास नहीं होगा? कहाँ नहीं हुआ है भाई, यहाँ से रामनगर तक का पुल बना है, रामनगर तक का पुल बना है, सारनाथ चले जाइए, आशापुर में विकास हुआ है सर, विकास तो हर जगह हुआ है,
और अरे आप कैंट के आगे जाइए, बाबतपुर चले जाइए, सारनाथ चले जाइए, बनारस सिमटा नहीं है, बनारस बाबतपुर में घुसिए आप, जैसे लेगा इंडिया में ही नहीं। अभी अभी तीन दिन पहले अखिलेश यादव ने बोला कि जिसका अंत समय आता है वो काशी जाता है। ये अखिलेश की मानसिकता कहती है, उनके पिताजी को देखें कि वो अपने क्या कर रहे हैं, वो अपने पिताजी को देखें, अयोध्या में गोली चलवा रही है वो अपने, वो उन्होंने कहा कि हम भैया छोड़ो, अखिलेश जी जो भी बोले हैं एकदम गलत बोले हैं, 100% गलत है। मोदी जो भी काम किए हैं बहुत सही काम किए हैं, ठीक है भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज अपना एक घर लोग नहीं चला पा रहे, वो पूरा देश चला रहा है। 130 करोड़ टीका लगाने का साहस अगर किसी प्रधानमंत्री में रहा तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी में, वो भी फ्री में। इसका श्रेय, एक मिनट, इसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या हमारे सुरक्षा करना चाहिए? नहीं, पूरी टीम को जाना चाहिए, लेकिन जो नेतृत्व करता है जाना चाहिए, हेल्थ वर्कर को जाना चाहिए, आंगनवाड़ी, उषा, आशा, हर एक हेल्थ वर्कर, हर एक कर्मचारी को, सबकी इसमें सबकी भागीदारी है, इसमें सबका वो है। और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, और भगवान चाहेंगे फिर मोदी की सरकार आएगी, भगवान बाद में चाहेंगे, पहले काशी वाले चाहेंगे, काशी वाले चाहेंगे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कहाँ से आप? वाराणसी से। वाराणसी से जी। आज की काशी में और आज से 10 साल पहले वाली काशी में कितना अंतर है? आप 10 साल पहले तो चले जाइए ना जाइए, आप 7 साल के बीच में आओ। 7 साल के बीच में क्या थी कि ये रोड पे भी जाम रहता था। आज आपको पूरे बनारस का जो मेन सेक्टर है वो 15 किलोमीटर के अंदर है। हर सेक्टर में आपको डिवाइडर मिलेगा दोनों साइड के बीच में, तो ट्रैफिक की पहले तो माइनस पॉइंट यहाँ पे हो गई, ट्रैफिक एकदम ख़त्म सा हो गया। शहर के अंदर का मेन शहर का अंदर का पार्ट है, ओल्ड पार्ट में विश्वनाथ जी को उन्होंने एकदम बढ़िया किया, गंगा किनारे के घाट को बढ़िया किया। बाहर का जो पार्ट है जो आज से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो भी साफ सुथरा होने के साथ साथ चौड़ा भी हुआ है। वाले काशी के विकास को उत्तर प्रदेश का विकास बता रहे हैं भाई, एकदम है। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं, पूरे देश की राजनीति से लेकर के पूरे देश का भविष्य बाबा विश्वनाथ तय करते हैं, और यहाँ मोदी जी नतमस्तक हुए हैं तो बाबा ही उनको आज से आगे भी लेके जा रहे हैं। हमारे आप में या कोई जनता उनको लेके आगे नहीं जा सकती, ये बात आप जान लीजिए। बाबा की कृपा तो है काशी पे, काशीवासियों में, पूरे देश में, दुनिया पे जी, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन केवल काशी का विकास हो रहा है। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। विपक्ष से आप एक बात पूछिए, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं और वो किन किन स्टेटों में घूम के आया? मैं जब से विकास हो रहा हूँ 12 स्टेट घूम चुका हूँ, हर जगह काम चल रहा है, जीटी रोड से लेके हाईवे से लेके हर जगह। भैया 60 साल में लड्डू नहीं मांग रहे थे? 7 साल में ही आपको सारे लड्डू चाहिए? वो संभव नहीं है, सब्र करना पड़ता है। उसमें भी कोरोना का काल झेला है, कितना सब्र चाहिए? फिर आप दोबारा लाइए, फिर आपका जो सब्र है वो पूरा आप लाएंगे। आप भी तो वोट देंगे, आप भी तो इंडिया के हैं, तो आप देंगे, जनता देंगे, आप भी तो हैं, आप भी तो हैं, हम तो दोबारा लाएंगे। जय बार रहेगा वह बार लाएंगे, हर बार लाएंगे। मीडिया जो कहाँ से हो? कहाँ से हो? एरिया बगल में दुकान लगाते हैं सर, मतलब काशी से हो? हाँ, काशी से। काशी वाले बोलते हैं, ये काशी वाले कूड़ा कचरा करते हैं सब गलियों में। नहीं भी, अब पहले होता रहा, अब नहीं होता, एकदम साफ सुथरा रहता है। भाई साहब गंगा नहाने जा रहा था, ऊपर से कूड़ा फेंका। अच्छा, ऊपर से आ सकता है सर।